आपने देखा होगा जब एक कंप्रेसर फेल होता है और हम उसे रिप्लेस करते हैं तो बहुत बार जो सेकंड कंप्रेसर है वो भी फेल हो जाता है जल्दी। इसका क्या रीजन है, इसका क्या उपाय है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे बहुत सारे और वीडियो के लिए। मेरा नाम है विनोद चंदन फ्रॉम इन्फिनिटी HVAC। ओके, सो आज हम ये प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है माइटी रिंस। ये माइटी रिंस अभी करता क्या है, जब कंप्रेसर फेल होता है मोस्ट प्रोबली इफ देर इज अ बर्न आउट और द कार्बन का एक लेयर जम जाता है अंदर, तो अगर हम उसे प्रॉपरली नहीं निकालेंगे तो ये जो कार्बन है जो नए कंप्रेसर है उसके अंदर भी जाके फंस जाता है और दैट इज द रीजन अगेन चांसेस आर देयर दैट दूसरा कंप्रेसर भी आपका फेल हो जाएगा। तो जब हम सेकेंड कंप्रेसर लगाते हैं उससे पहले ये हमें ये केमिकल जो है माइटी रिंस इसे प्रॉपरली हमें फ्लश करना चाहिए। इसे अभी कैसे हम यूज करेंगे, आप या तो एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट आता है जो हम यहाँ पे इन्फिनिटी में भी मिलता है, या तो एक सिंपल आप फनल लेके ये माइटी रिंस जो है केमिकल एक साइड से डाल के आप इसे नाइट्रोजन से आप इसे फ्लश कर सकते हैं। होस पाइप और ये इंस्ट्रूमेंट से आप डायरेक्टली इसे फ्लश कर सकते हो नाइट्रोजन से। ये आपका कॉपर पाइप में चले जाएगा, आपको इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है यहाँ पे और ये आपका नाइट्रोजन सिलेंडर में चले जाएगा। ये कर सकते हैं या तो फिर आपको जैसे मैंने पहले बताया एक नॉर्मल फनल से भी कर सकते। कितना फ्लश करना है, जब भी तक जो दूसरे साइड से आपका कॉपर पाइप जब तक वो एकदम क्लीन ना हो तब तक आप इसे फ्लश करते रहिए, बिकॉज जब तक वो दूसरे साइड से डार्क या ब्लैकिश आपको फ्यूम्स बाहर आता नजर आएगा दैट मींस उसके अंदर कार्बन अभी भी जमा है। तो आपको उतना फ्लश करते रहना है जब भी एकदम क्लीन आपका फ्यूम्स आता रहेगा दूसरे साइड से, तभी तक आप इसे फ्लश करते रहिए। ये तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका दूसरा एक बहुत बढ़िया रोल है, जब भी आप VRV के मशीन्स लगाते हैं तो जब हम कॉपर पाइप को ब्रेसिंग करते हैं तो बहुत टाइम देखा गया है कि जो अंदर से ऑक्सीडेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं निकलता है, क्यों हमें अगर नाइट्रोजन भी डाला है अगर उसका प्रेशर बराबर नहीं है फिर भी एक ऑक्सीडेशन लेयर जम जाता है। तो आपका समझो VRV का बड़े बड़े पाइप है 100 फीट 200 फीट 500 फीट, तो सब जगह परफेक्ट ब्रेजिंग करना और ऑक्सीडेशन को अवॉइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपका बहुत इजी सॉल्यूशन है कि आपने जब ब्रेजिंग कर लिया है तो ये माइटी रिंस को आप इसे भी कॉपर पाइप को भी आप इसे फ्लश कर सकते हैं, तो आपका बहुत सेफ्टी हो जाता है और आप इंश्योर करते हैं कि ये इंस्टॉलेशन में ये कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन का जाके वो कंप्रेसर में नहीं फंस जाएगा। तो ये इसका दो मेन यूज है। नंबर वन इज अगर आपका कंप्रेसर बर्न आउट हुआ तो आप इसे प्रॉपरली माइटी रिंस से फ्लश कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप एक नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं VRV का इंस्टॉलेशन कॉपर पाइप करने के बाद में आप इसे फ्लश कर सकते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको एंश्योर करना है कि ये माइटी रिंस नाम देख के ही करना है। और दिस इज बेसिकली ये जो पहले हम CTC केमिकल यूज करते थे ये उसका रिप्लेसमेंट है। वो जो पहले का केमिकल है दैट हैज बीन बैंड नाउ एंड यू कैन नॉट यूज इट बिकॉज वो हमारे जो एटमोसफेयर है उसके लिए हानिकारक है, इसीलिए दिस इज अ सेफ एंड श्योर वे। एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको फॉलो करना है, ये केमिकल को आपको कंप्रेसर के अंदर नहीं डालना है, इट इज मतलब ये सिर्फ कॉपर पाइप के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।